हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी और मटर की सब्जी एक अलग ही तरीके से, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप सेम आलू गोभी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं इन सर्दियों में, तो ये नए तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। आप इसको एक बार बनाकर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो आइए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या लगेगा। हमने लिया है 3 प्याज बारीक काट लिया है, 2 मीडियम साइज के आलू, 1 गोभी का फूल, 100 ग्राम के करीब मटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च और कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और जीरा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबुत गरम मसाले को अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट, फिर इसको ग्राइंड कर देंगे और उसको चलाते रहेंगे ताकि अपने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे। जब ये हमारा प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसी तेल में अपनी गोभी को भी फ्राई करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सब्जी बनाना। सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे और उसमें अपनी हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही अपने लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन मैंने यहाँ कड़ा कड़ा लिया है, छोटे छोटे जैसे हमने लिए हैं, क्योंकि कड़े कड़े पीछे सब्जी बनने के लास्ट में अगर हमें खाने में अच्छा लगता है साबुत लहसुन आप खा के देखें तो और टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही हम अपने आलू भी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। लगभग हम लोग 50% आलू को कुक करेंगे। आलू हमारा लगभग 50% पक चुका है, सारे आलू बराबर कलर ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही अपना मटर भी ऐड कर देंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। देखिए हमारा टमाटर और मटर भी लगभग पक चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने शुरू में अपना प्याज फ्राई किया था उसका हमने पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे तरह से सब्जी में हमारा प्याज मिल जाए। इसके साथ हमने जो अपना गर्म मसाला रोस्ट करके पाउडर बनाया था हम उसे भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। फिर से इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। पूरी सब्जी में बराबर मसाले से मिल जाए। फिर हम इसे धीमी आंच पे करके 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फाइनली देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तेल भी इसका सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपना फ्राइड किया हुआ गोभी ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए हो तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 4 से 5 मिनट में हमारी सब्जी तैयार है। क्योंकि जब हमने फ्राई किया था तो उस समय 70-80% हमारी गोभी पक गई थी। तो मिलते हैं सर्विंग में।